ब्रेक का स्वागत है आपका। इंदौर में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जहां इंसान हलकान है और परेशान है, वहीं गर्मी के चलते मासूम पक्षियों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। इंदौर में गर्मी और पानी की कमी के चलते अब तक करीब 3 दर्जन पक्षियों की मौत हो गई है। ऐसे में लोग जगह जगह मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रख रहे हैं जिससे उनकी प्यास बुझाई जा सके। देखिए आखिर रिपोर्ट। इस साल आसमान से बरस रही आग ने इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी जीना मुहाल कर दिया है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की कमी के चलते इंदौर में मल्हार आश्रम के पास अब तक कई दर्जन पक्षियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गर्मी बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से पक्षी बेहोश होकर पेड़ों से नीचे गिर पड़ रहे हैं और सड़क पर वाहनों से कुचलकर उनकी मौत हो रही है। ऐसे में पक्षियों को बढ़ती गर्मी से बचाने और उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोग आगे आ रहे हैं और अपने घरों की छत से लेकर मैदान और पार्कों में पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रख रहे हैं ताकि पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। वहीं अब जू प्रबंधन भी पक्षियों को बचाने के लिए आगे आया है। नहीं देखिए, रामबाग की जो घटना थी मेरे को मीडिया के माध्यम से पता चला था कि इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, और चूंकि जो हुआ है उसमें निश्चित रूप से ये लग रहा है कि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं ये पक्षी, क्योंकि इस समय ऐसा कोई बीमारी वाला कोई सीजन नहीं है इनका। ये अभी एकमात्र जो प्रॉब्लम चल रही है बर्ड्स में और दूसरे एनिमल्स में वो डिहाइड्रेशन की चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों एनिमल्स के लिए उसको बेयर करना, उसको संभल पाना या उसको मैनेज कर पाना उनके लिए टफ होता जा रहा है, क्योंकि पानी मिल नहीं पा रहा है टाइम पे, उनको फूड मिल नहीं पा रहा है और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। विगत 3-4 दिनों से गर्मी अत्यधिक होने के कारण 45-40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण यहाँ ये पक्षी गिर रहे हैं। कई वर्षों से इनका घोसला यहाँ पे, इनका रहना ऐसे ऊपर पेड़ पे ही रहता है, वो कई वर्षों से यहाँ रहे हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये पशु पक्षी सभी गिर रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत इंसान की हालत खराब हो रही है। वो यहाँ कोई निगम या कोई अन्य कोई ऐसी संस्था है, जो भी ये NGO संस्था है, जो भी निगम के संबंधित जो भी अधिकारी लोग हैं, कम से कम उनको एक बार देखने आना चाहिए। इतनी बड़ी घटनाक्रम है, एक तरह से घटनाक्रम ही माना है, क्योंकि मानव अपनी व्यवस्था कहाँ से भी कर लेगा। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है और आने वाले दिनों में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। मैडम देखिए, इस समय जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है दोनों ही औसत से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहे हैं, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मिनिमम टेम्परेचर भी हमारा 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये जो 45 डिग्री सेल्सियस हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे मालवा क्षेत्र के हिसाब से। कई वर्षों बाद हमारा 45 डिग्री सेल्सियस लगातार पिछले 2-3 दिन से हमारा 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसकी वजह से जो घोंसलों की यदि आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से छोटे पक्षी होंगे और वो इतनी गर्मी के कारण ड्राई वेदर प्रिवेल कर रहा है, तो जब इसमें हमारी हालत खराब हो रही है तो निश्चित रूप से हमारे जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा होगा। और पक्षियों को बचाने के लिए जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासनिक स्तर पर भी पक्षियों को बचाने के लिए कोशिशें शुरू की जाएं और उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। चालीस से 45 डिग्री टेम्परेचर में इंसान का बुरा हाल है, ऐसे में पक्षियों का क्या हाल होगा इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पक्षी पानी की कमी से पेड़ से गिर रहे हैं और एक भारी तादाद में उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसे में NGO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आम जनता को भी एक पहल दिखानी होगी, अपने घर के बाहर या छत के ऊपर मिट्टी के बर्तन में पानी रख के जिससे पक्षियों को पानी मिल सके। कैमरामैन अरविंद यादव के साथ सुनीता सिंह, इंडिया न्यूज़ इंदौर।